हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू नरेट द समरी ऑफ द एड्रेस फ्रॉम द स्नैपशॉट बुक क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मार्गा मिनको। सो आर यू रेडी? लिसन दिस स्टोरी वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के ग्रामर और लिटरेचर के वीडियो मिलते रहें। तो आइए मैं आपको द एड्रेस स्टोरी को सिंपल वे में सुना देता हूँ। ये स्टोरी हॉलैंड में हुए युद्ध के बारे में है, ख़ास तौर से उस युद्ध से पहले और उस युद्ध के बाद की घटना है। उस समय राइटर और उनकी माँ हॉलैंड में रहती थीं, लेकिन युद्ध के कारण उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया जहाँ पर वो रहती थीं और ये लोग कहीं और जाकर के बस गए। उस समय राइटर छोटी थीं, धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। राइटर बड़ी हो गई और इसी दरमियान उनकी माँ भी चल बसी और राइटर एक किराए के घर में रहती थी। लेकिन जब समय बदला, हॉलैंड की स्थिति सामान्य हो गई, तो राइटर को कुछ बातें याद आईं। जैसे कि जब वो हॉलैंड में रहती थी तो काफ़ी बड़े घर में रहती थी और उनके घर में बहुत ढेर सारे सामान थे और वो सामान उनकी माँ ने किसी लेडी को दे दिया था। उस लेडी का नाम था मिसेज डॉर्लिंग। तो राइटर को याद आया कि वो उन सामान को ले आए, क्योंकि वो सारे सामान उनकी माँ की यादें हैं, वो उन्हें लाना चाहती थी, इसलिए वो हॉलैंड गई दिए गए पते पर। उनकी माँ ने एक पता दिया था, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो राइटर ठीक पते पर पहुँच गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। ये लेडी ने राइटर से पूछा, कौन हो, कहाँ से आई हो। जब राइटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो लेडी उनको पहचान गई और अवाक रह गई, आश्चर्यचकित रह गई और उसने कहा, अरे तुम आ गई, मुझे लगा तुम तो नहीं आओगी या तुम लोग नहीं आओगे। कुछ इस तरह से उस लेडी ने प्रतिक्रिया किया। तो फिर वो लेडी ने दरवाज़ा पूरा भी नहीं खोला और वो राइटर का स्वागत भी नहीं की। वो चाहती थी कि राइटर वहाँ से चली जाए, मानो कि उसने राइटर को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने कुछ अजीब सा बिहेव किया। तो राइटर को लगा शायद वो गलत पते पर आ गई हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी जब माँ ने उनको एड्रेस दिया था, तो उन्हें लगा शायद ये उनकी मिस्टेक है। लेकिन जब राइटर थोड़ा टर्न हुई वापस जाने के लिए और लेडी थोड़ा बाहर आई, तो राइटर ने उनकी स्वेटर को ध्यान से देखा। उस लेडी ने ग्रीन कलर की स्वेटर पहन रखी थी और उस पर वुडन बटन लगे हुए थे। राइटर ने वो स्वेटर तुरंत ही पहचान लिया, यह स्वेटर उनकी माँ की स्वेटर थी, ये स्वेटर उनकी माँ पहनती थी। तो राइटर को लगा कि वो तो सही एड्रेस पर आई हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जा रही थी, स्टेशन की तरफ जा रही थी। और जब वो उस घर से वापस आ रही थी तो उन्होंने नेम प्लेट देखा, नेम प्लेट पर हाउस नंबर 46 लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट भी था, सब कुछ सही था। लेकिन वो लेडी ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, इसलिए निराश होकर के राइटर वापस जा रही हैं।
और जब वो वापस जा रही थी तो उन्हें बचपन की यादें याद आने लगी, उनकी माँ की यादें याद आने लगी। उनकी माँ ने उनसे क्या क्या बातें कही थी, ये सारी बातें उनको याद आने लगी। जब हॉलैंड के युद्ध चल रहे थे तो राइटर की माँ के यहाँ ये लेडी मिसेज डॉर्लिंग आती जाती रहती थी। ये उनकी माँ से सीनियर थी और ये लेडी राइटर की माँ को सजेस्ट करती थी, सुझाव देती थी कि तुम अपने घर के सारे कीमती सामान जैसे बर्तन, झूमर और डेकोरेशन के सामान, ये सब तुम मुझे दे दो, मैं इसे ले जा कर के अपने घर पर सुरक्षित रख दूँगी और जब स्थिति सामान्य होगी तो आप इसे वापस ले लेना। तो अक्सर करके वो राइटर की माँ का कीमती सामान झोले में पैक करके ले जाया करती थी। तो उस समय राइटर छोटी थी तो वो अपनी माँ से पूछती भी थी कि माँ आप इस लेडी को सारा सामान क्यों दे देती हो। तो उसकी माँ बोलती थी कि इस समय जो है स्थिति ख़राब है, हॉलैंड में युद्ध चल रहा है और ये लेडी हमसे बड़ी हैं, अगर कह रही हैं मेरा सामान ले जाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और ये रिस्क भी ले रही हैं, तो इसमें बुरा क्या है। उनकी माँ ये कह के बात टाल दी थी। लेकिन जब राइटर और उनकी माँ ने हॉलैंड को छोड़ दिया था तो राइटर की माँ ने राइटर से कहा था कि जो मैं पता दे रही हूँ ये पता तुम याद रखना, तभी वो तुम उस सामान को वापस पा पाओगी जो सामान वो लेडी हमारे घर से ले गई हैं। तो राइटर ने वो पता अपने पास रखा था संभाल करके और वो ठीक उसी पते पर आई थी, लेकिन उस लेडी ने उन्हें पहचानने से इनकार करने का बहाना बना दिया। उस लेडी ने उनका स्वागत भी नहीं किया, ना ही अपने घर में बुलाया और ना ही राइटर की माँ का सामान वापस दिया। राइटर बहुत निराश थी, दुखी थी और वो वापस अपने घर, किराए के घर जहाँ वो छोटा सा कमरा लेकर रहती थी, वहाँ पहुँच गई। कुछ दिन और बीत गए, राइटर अपनी किराए के मकान की खिड़की से बाहर देखती थी, मौसम सुहाना दिखता था, सब कुछ अच्छा दिखता था। राइटर को अपनी माँ की बहुत याद आती थी क्योंकि उनकी माँ भी चल बसी थी। राइटर के पास कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें बचपन की याद दिलाए, सारे सामान तो उनकी माँ ने उस लेडी को दिया था, तो राइटर उन सारे सामान को प्राप्त करना चाहती थी। एक बार जा चुकी थी लेकिन निराशा हाथ लगी, तो राइटर ने ये योजना बनाई कि वो एक बार और भी जाएंगी। तो वो उसी पते पर एक बार फिर गईं। इस बार जब वो गईं तो दरवाज़ा एक छोटी लड़की ने खोला। तो ये जो छोटी लड़की थी ये मिसेज डॉर्लिंग की बेटी थी। उस समय घर पर मिसेज डॉर्लिंग नहीं थी। उस लड़की ने राइटर का स्वागत किया, वो कमरे में ले गई, घर में ले गई, उन्हें बिठाया, उनसे बातें किया, उनके लिए चाय बनाने के लिए गई और उनको पूरा घर भी दिखाया। और वो लड़की बोली, मिसेज डॉर्लिंग की बेटी बोली कि थोड़ा इंतज़ार करिए, मेरी माँ आ जाएंगी। राइटर ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेती हूँ। तो राइटर इंतज़ार कर रही थी और जब तक मिसेज डॉर्लिंग की बेटी चाय बना रही थी राइटर के लिए, तो राइटर ने उनके घर में वो सारे सामान जो उनकी माँ के थे जैसे घर में लगा हुआ झूमर, क्राकरी के बर्तन और कैंडल सेट यानी कि कैंडल स्टैंड जिस पे ढेर सारी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, प्लेट्स, बाउल्स, यूटेंसिल्स, ऐसे बहुत से सामान, डेकोरेशन के सामान
ये सारे सामान जो उनकी माँ के थे या दीवार पर लटकाने वाले ऐसे बहुत से पिक्चर्स, सीनरी, बहुत से ऐसे सामान थे जो उनकी माँ के ही थे, उनके ही थे। राइटर उनको बहुत ध्यान से देख रही थी, कुछ सिल्वर के बर्तन उनको ध्यान से देख रही थी। और जैसे जैसे उन सामान को वो देख रही थी, उसे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी कि कैसे वो डाइनिंग टेबल पर वो सामान, वो बर्तन लगे होते थे, कैसे उन पर सेब रखे रहते थे और कैसे वो चम्मच काटे रखे रहते थे। लेकिन यहाँ पर वो सारे सामान लापरवाही से पड़े हुए हैं। राइटर इन सामान को देखकर बहुत निराश भी होती है। वो लड़की से पूछती है, क्या तुम इन सामान को यूज भी करती हो? तो वो लड़की बोलती है, हाँ कभी कभी यूज भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से बातें होती हैं। राइटर मानो उन सारी चीज़ों को देख करके मानो खो सी जाती है, अपने बचपन में चली जाती है। तो मिसेज डार्लिंग की बेटी राइटर को देख कर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसी दरमियान राइटर को ये आभास हुआ कि अब बहुत देर हो रही है और उन्हें ट्रेन भी पकड़ना है। तो राइटर को अब बहुत निराशा महसूस होने लगी। उनको ये लगा कि अब ये सारे सामान की मुझे क्या ज़रूरत, और उन्हें बहुत निराशा महसूस होने लगी, दुख महसूस होने लगा। उनको ये सारी चीज़ें उनको उनके बचपन में वापस ले जा रही थी। तो राइटर ने ये सोचा कि वो इन सारे सामान को अब नहीं लेगी, ना ही इनके लिए वो कोई दबाव बनाएगी। वो सीधे अपने घर जाएगी। वो ये भी मानती थी कि जिस किराए के रूम में वो रहती है, वो रूम बहुत छोटा है, ये सारे सामान वहाँ पर यूज भी नहीं कर पाएगी, फिट भी नहीं बैठ पाएंगे। ये सारी बातें सोचते हुए उसे फिर अपने घर की याद आती है, हॉलैंड वाले, जो कि अब वो घर भी नहीं रहा। तो इन सारी बातों को सोचते हुए राइटर निराश हो जाती है और सोचती है कि वो वापस जाएगी, और फिर वो वहाँ से वापस चली जाती है। जब वापस जाने वाली होती है, दरवाजे पर आती है, तो उसे हाउस नंबर 46 दिखता है, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ दिखता है, ये सारे साइन बोर्ड दिखते हैं। तो राइटर ये मानती है कि वो सही पते पर पहली बार भी आई थी और सही पते पर दूसरी बार भी आई है, और वो जो लेडी थी वो मिसेज डार्लिंग ही थी। वो ये बात भी मान गई है कि वो जो लेडी हैं, उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया, उन्होंने मेरी माँ के सारे सामान हड़प लिए। ये सारी बातें वो जान गई, और वो ये भी जान गई कि उनके घर में रखा हुआ सारा सामान मेरी माँ का ही है। लेकिन अब राइटर ये सोचती है कि जब मेरी माँ ही नहीं रही, मेरा पुराना घर ही नहीं रहा, तो अब मुझे इन सारे सामान को लेने की क्या ज़रूरत? ये सारे सामान उसे उसके बचपन में ले जाते थे, उसे बहुत निराशा होती थी, तो इसलिए उसने इन सारी चीज़ों को भूलने का फैसला किया और वो वहाँ से चली गई। तो ये कहानी समाप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।